कोटपाड़ पुलिस को मिली बड़ सफलता। पुलिस पंजारे कुख्यात अपराधी मैंने गिरफ होती। कोरापुट जिलार विभिन्न थाना अनेक अपराधिक मामलें जड़ित टुना हरिजन दीर्घ दिन धरी टुना को धरवाई एक स्वतंत्र टीम गठन कर विभिन्न अंचल खोजाखोजी कर पुलिस शेषे नवरंगपुर जिलार मैदलपुर अंचल टुना को गिरफ कर सफल हो पुलिस। टुना को सेठ कोटपाड़ थाना को अणाई अधिक पचराउचरा कर पुलिस। पुलिस पंजारे टुना सहित चारि सहयोगी गिरफ होती। आज समस्त कोर्ट चलाई एने आज एक प्रेस मीट जोगे सूचना देखते बोरीगुमा एसडीपीओ मधुसिक्ता मिश्र। गत 26/11/2022 कोटपाड़ सोरासाई अंचल जनक घरे चोरी हो घर सुना मुदी और 5000 टंका चोरी होता। पुलिस 249/22 मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर। चोरी दलर समस्त सदस्य मिसी चोरी करते। पुलिस से निकटर 5 मोबाइल फोन सुना रूपा अलंकार सहित विभिन्न प्रकार मारणास्त्र 2 बाइक और नगद 3000 टंका जबत कर। ए 5-जणिया चोर पेशादार अपराधी थे और दलर मास्टर माइंड थी टुना हरिजन। ता नाँ कोरापुट जिला कलाहांडी और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ अंचल अनेक चोरी डकायती भली 50+ अपराधिक मामला रही। डकायती दल योजना मुताबक भाव अपराध में जड़ित बेले ग्यांग्र जन सदस्य गंजे चलाण मामलें जड़ित जमापड़ी। टीम जो नाइट पेट्रोलिंग थे सेत आम कि व्यक्ति को देखील जो मैंने कौगुड़ा यहाँ एरिया कुंजगुड़ा एरिया रे कोटपाड़ अंडर कुंजगुड़ा एरिया रे मैंने सस्पिशियसली बुलाबुली करुले आम फर भेरिफिकेशन करने थाना को अणाही जितेबाला आम जानवा पाइल सीए भेरिफिकेशन और सर्च कलु आम जानवा पाइल जे से विभिन्न प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रे इन्वॉल्व अच्छा मेन करी आमर कोटपाड़े गत 26 गोटे केस रजिस्ट्रेशन होता सौरासाही एरिया जनक घर गोटे बर्गलारी केस होता किसी कैश आउ गोल्ड रिंग जाइला रिपोर्ट होता आमको ता सहित इविन बोरीगुमा एरिया 2 बर्गलारी केस होता नवेम्बर मसरे 18 नवेम्बर से ही केस गुड़ाक धीरे धीरे अनभेरिफिकेशन आम जानवाक पाइल ग्रुपटा ही से केस गुड़ाक कर कमिट कर पांच जन को आम बर्तमान गिरफ्त कर मेनली बोरीगुमा और नवरंगपुर एरिया रो फर्दर भेरिफिकेशन रू जना पड़ा यही मुदेला मैंने विभिन्न केस रे सर्वमोट आम जदि देखा 50+ बेसिक केस रे इनवॉल्व अच्छा सब प्रॉपर्टी ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट केसेस बर्गलारी डकायती केसेस ता सहित इंक्लूडिंग आर्म्स एक्ट ए भलिया सब केसेस रे इनवॉल्व अच्छा आगर बार बार जेल जाइंती ता सहित इवन गोटे मुदेला अच्छे से एनडीपीएस केस रे तार इनवॉल्वमेंट अच्छी आगर जोटा अच्छे नवरंगपुर कलाहांडी कोरापुट जिला एवं छत्तीसगढ़ ओडिशा बाहर छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला जगदलपुर यही सब अंडर में विभिन्न प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इन्वॉल्व अच्छा डकायती दल जो रही डकायती दल मास्टरमाइंड किए मास्टरमाइंड मु मीडिया रे ना कही पारि ना किंतु से जो मास्टरमाइंड अछि तार एका 40+ बेसिक केसेस अछि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस तांकठू आमे काली विभिन्न इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स लाइक क्रोबार आयरन रॉड 2 हातुड़ी हला एवं स्क्रू ड्राइवर शार्प कटिंग गोटे नाइफ आमे सीजर करिछु 2-3 आयरन रॉड सीजर करिछु तो हेई पारे नगद 3000 रुपीज आम सीजर करिछु काली ता सहित फर्दर भेरिफिकेशन करा जाउछि आउ को केस रे मानकर इन्वॉल्वमेंट थाई पारे 2 बाइक सीजर हेछि 2 बाइक सीजर हेछि किंते प्रोसेस तिंदे प्रोसेस रे आपन तांको काबू करले आमर जतेबेले दुई मु जो जोडा मु कहली कोटपाड़ गोटे बर्गलारी केस आ बोरीगुमार 2 बर्गलारी केस नवंबर मास रे हेतला ता परे आमे गोटे टीम फॉर्म करथिलु एज पर द डायरेक्शन ऑफ एसपी कोरापुट आम गोटे टीम फॉर्म करूँ इनक्लूडिंग ओआईसी बिशिंगपुर आईआईसी कोटपाड़ आमर एसआई हरीश कुमार नायक एवं एसआई सुनील कुमार स्वाई एवं आईआईसी बोरीगुमा तांको नेकी गोटे आम टीम फॉर्म करूँ यू एप्रिहेंड करने केसेस डिटेक्शन करने आउ भी जदि कई अच्छा आम फर्दर भेरिफिकेशन कले जना पड़ी पारे ए ग्रुप रो जो वर्तमान मास्टरमाइंड कह जाउ छे टुना हरिजन ता ना रे स्पेसिफिक को जिला को केते केस रही छे मैडम को अपराध रे ता ना रे मोट 40 रु बेसी केसेस रही छे ओके तारो छत्तीसगढ़ रे देखिबा जदि परपा थाना बडानजी थाना फरास गांव थाना 3 थाना रो हमको एजेंट डाटा जहां मिली छे कलाहांडी जिल्ला रे अंपाणी जयपाटना गोलामुंडा धरमगढ़
କୋକସରା ପାଞ୍ଚଟା ଥାନାରେ 15ରୁ ବେଶୀ କେସେସ୍ ଅଛି। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନାରେ ଗୋଟେ 7 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଲାରୀ କେସ୍ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା କୋଡ଼ିଙ୍ଗା କାଠିଗୁଡ଼ା ଏହିସବୁ ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10ଟା କେସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋରିଗୁମା କୋଟପାଡ଼ ବିସିଂପୁର 2012-13-14 ମସିହାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୋରାପୁଟରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେ କି ଯାହା ଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଣ୍ଡରେ। ଏମାନେ କେମିତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେଉଥିଲେ, କେମିତି ପୁଣି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କି? ଏମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ତା'ର ଲିଡରସିପ୍ରେ ପ୍ରାୟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ତା'ର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଭିନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରୁଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଯଦି ତା'ର 2-4ଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇପାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ସେ କ୍ରାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଯେଉଁ 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଆଉ କିଏ ମାନେ ଆମେ ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଯାହା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇସାରିଛୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ବହୁଦିନ ହେଲା ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ପୁଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କିଛି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ବୋରିଗୁମା ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧୁସିକ୍ତ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।